दिल्ली दंगे का एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें लाल रंग की शर्ट पहने एक दंगाई फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने पर एक बार फिर दिल्ली में हिंसा फैलाने वालों की साजिश बेनकाब हुई है। दिल्ली में हिंसा की साजिश का ये सबसे नया वीडियो है। वीडियो में एक दंगाई फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इस दंगाई ने लाल रंग की शर्ट पहनी और सिर पर हेलमेट पहना हुआ है। इसके हाथ में पिस्टल, जिससे वो लगातार एक के बाद एक दूसरी तरफ गली में खड़े लोगों पर फायरिंग कर रहा है। देखिए, सड़क पर दौड़ते हुए इसने पहली बार फायर किया और फिर पीछे मुड़ गया, लेकिन फिर दूसरी बार गली की तरफ आया और लोगों पर फायरिंग करने लगा। तस्वीरों में दिख रहा उससे ठीक सामने एक और शख्स खड़ा, उसने भी मौका मिलते ही पथराव किया। दोनों ओर से पत्थरबाजी होती दिख रही। कई राउंड फायरिंग करने के बाद लाल शर्ट पहना ये शख्स हेलमेट उतारकर फरार हो गया। ये वीडियो 24 फरवरी को मौजपुर में हुई हिंसा का बताया जा रहा है, जहां दंगाइयों ने जमकर हिंसा की थी, कारों और घरों को जला दिया गया था। पहले ही चांदबाग में हुई हिंसा का भी वीडियो सामने आया था, जिसमें उपद्रवियों की भीड़ पुलिस को निशाना बनाती दिख रही थी। चांदबाग में दंगाइयों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और लाठी डंडों से हमला किया। दंगाइयों की इस भीड़ में पत्थरबाज महिलाएं भी शामिल थी। दिल्ली हिंसा से जुड़े एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनसे पता चल रहा है कि किस तरह साजिश के तहत हिंसा फैलाई गई, दिल्ली को जलाया गया। फिलहाल पुलिस उपद्रवियों पर धीरे धीरे शिकंजा कस रही है। वीडियो के आधार पर दंगाइयों की पहचान की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।